नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट पर खबर चार बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। खबरों की शुरुआत करते सुल्तानपुर से बड़ी खबर है, जहां जिला जेल में बंद दो कैदियों की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में कैदियों की मौत से हड़कंप मच गया। अमेठी जिले के रहने वाले थे दोनों कैदी। अमहट स्थित जिला कारागार का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे सुल्तानपुर से, जहां जिला जेल में बंद दो कैदियों की मौत हो गई। संदिग्ध हालात में दोनों कैदियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। अमेठी जिले के रहने वाले थे दोनों कैदी। किस वजह से यह मौत हुई, क्या कारण रहा, यह भी निकलकर सामने नहीं आया। इस खबर पर सारा जानकारी के साथ नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जरा अपडेट दीजिएगा, साथ ही साथ अभी तक क्या चीजें बाहर निकलकर सामने आई, कैसे इन कैदियों की मौत हुई? देखिए, फिलहाल तो इस घटना की जानकारी के बाद जो जेल के डीआईजी हैं प्रवीण कुमार, वो वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं जिला कारागार सुल्तानपुर में, और वो मामले की जांच कर रहे हैं। पहली बात ये जानकारी में आई है कि ये दो कैदी जो थे, वो अभी हाल ही में एक हत्या का मामला था अमेठी जिले का, जिसमें ये 30 तारीख से जेल में बंद थे। आज अचानक दोनों का शव मिलता है जेल के अंदर, इनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ से इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और जेल आईजी मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही कुछ बताने की बात कर रहे हैं। देखिए, तकरीबन दोपहर में 1 से 1.5 बजे के बीच में ये खबर सामने आई थी कि जिला कारागार में दो बंदियों की मौत हो गई है। फिलहाल ये जो दोनों बंदी हैं, इनकी उम्र भी बहुत कम ही है, लगभग 20 से 25 साल के बीच के ये दोनों बंदी बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। फिलहाल सारे पहलुओं की कि क्या कारण रहा मौत का और क्या वजह रही जिस कारण जो है ये दोनों बंदियों की मौत हुई है, इसकी जांच की जा रही है, और जांच के बाद ही कुछ बात करने की बात कह रहे हैं अधिकारी। ठीक है नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।